हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लर्नर्स, इग्नू में रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर या फिर आपकी मेल आईडी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे उसे चेंज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो अब बात करते हैं, जो इग्नू में आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी होती है, उसको चेंज करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले मेथड के बारे में। इस मेथड में आपको सिंपली इग्नू में मेल करना है और मेल का फॉर्मेट मैं बता देता हूं कि आपको मेल में क्या लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको आपका जो रीजनल सेंटर है उसकी मेल आईडी लिखनी है, और ये जो मेल आईडी का फॉर्मेट होता है ये सभी रीजनल सेंटर्स का सेम होता है। इसमें स्टार्टिंग में आपको RC और लास्ट में आपको @ignu.ac.in मिलेगा, बस बीच में जो आपका रीजनल सेंटर है उसका नाम आ जाता है। अगर इसके बाद भी आपको आपके रीजनल सेंटर की मेल आईडी को लेकर कन्फ्यूज़न है तो आपको आपके रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और उसमें आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके रीजनल सेंटर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसमें आप देख सकते हैं जो आपका रीजनल सेंटर की मेल आईडी है वो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना, फिर आपको उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट लिखना है, बट सब्जेक्ट में याद रखना आप जितना छोटा सब्जेक्ट लिखेंगे उतना अच्छा होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट टू चेंज माई मोबाइल नंबर, अगर आप मेल आईडी चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको मेल आईडी के रिगार्डिंग सब्जेक्ट लिखना है, और अब आपको यहाँ पे नीचे मेल लिखनी है। मेल का फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आपको लिखना है आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू, माई इनरोलमेंट नंबर इज, इसमें जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड लिखना है। देन अब आपको लिखनी है मेन बात, जो आपका मोबाइल नंबर है वो चेंज करवाने को लेके। अगर इसे आप अपने शब्दों में लिख सके तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे जो आपका न्यू मोबाइल नंबर है वो लिखना है, उसके अलावा जो आपकी न्यू मेल आईडी है उसके बारे में लिखना है, देन लास्ट में थैंकिंग यू लिखना है। तो ये सब डिटेल्स लिखने के बाद आपको यहाँ से इसको सेंड करना है, पर अगर आप इसमें अपना आईडी कार्ड अटैच कर सकते हैं तो और अच्छा होगा आपके लिए, तो इसमें अपना आईडी कार्ड भी अटैच कर देना। और अब बात करते हैं हमारे सेकेंड मेथड के बारे में, पर इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये मेल का सक्सेस रेट है ये आपके रीजनल सेंटर पर डिपेंड करता है। अगर आपके रीजनल सेंटर वाले भले मानुष हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज जो इसका सेकंड मेथड है आपको वो अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको आपके रीजनल सेंटर जाना होगा और आपको वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होगा, जो भी आपको डिटेल्स चेंज करवानी है उसके रिगार्डिंग, उसमें भी आपको वही डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम और आपका नाम। उसके अलावा जो आपका न्यू मोबाइल नंबर है वो डालना है, और यहाँ पर आपको जो आपका ओल्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है। देन लास्ट में सिग्नेचर करने हैं, और इसमें भी आपको जो आपका आईडी कार्ड है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। और अब बात करें लास्ट में जो इसका प्रोसेस है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप ऑफलाइन भी अपने रीजनल सेंटर जाते हैं तो भी आपको 7 दिन का वेट करना होता है, 7 दिन के अंदर अंदर आपका मोबाइल नंबर वो अपडेट हो जाता है। तो अगर आप अपने रीजनल सेंटर जाने की सोच रहे हैं तो आपको एक बात और बता देता हूं मैं, तो जो उनके वर्किंग डे होते हैं वो आपके मंडे टू फ्राइडे होते हैं, 2 दिन का ऑफ होता है। तो अगर आप रीजनल सेंटर जाएं तो इस बात का ध्यान रखना, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, और टाइमिंग इसकी होगी 10 से 5:30। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर इसके बाद भी आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।